नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के बारे में बात करूंगा। बहुत ही कम टाइम में उनकी बायोग्राफी के बारे में हम देखेंगे। देखिए, बायोग्राफी बहुत बड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन यहाँ मैं अपनी वीडियोज़ को बहुत लिमिटेड रखता हूँ, बहुत छोटा रखता हूँ, ताकि आपको पर्सन के बारे में एक आइडिया लग जाए और कम से कम टाइम में लग जाए। अगर मैं वीडियो को आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे का बना दूंगा, बहुत बोरिंग से बना दूंगा, बहुत सारा उसमें इन्फॉर्मेशन क्लटर कर दूंगा, तो आपको वीडियो पसंद ही नहीं आएगा। इसलिए मैं जितना क्रिस्प होता है उतना रखने की कोशिश करता हूँ। तो इनकी लाइफ के बारे में, इनके क्या अचीवमेंट्स थे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इनका क्या पार्ट था, ये सब चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स। तो ये मैं आपके लेके आऊँ। मेरा नाम हर्षित द्विवेदी है फ्रेंड्स। आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है। एक और बात फ्रेंड्स, ये वीडियो हिंदी में है। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को इंग्लिश में देखना, तो इंग्लिश वर्जन ऑफ द वीडियो भी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के बारे में हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। कुछ याद रखिएगा कि इनको इंडियन बर्क भी बोला जाता है। एकेडमिशियन थे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी थे। 10 नवंबर 1848 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई 6 अगस्त 1925 को। वो क्या, हम आगे भी देखेंगे। इनकी जो पढ़ाई हुई थी फ्रेंड्स, ये हुई थी आपकी पेरेंटल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, जहां ज़्यादातर एंग्लो इंडियंस पढ़ा करते थे। यानी वो लोग जो हैं, जिनका मूल ओरिजिन इंग्लैंड है, पर वो यहाँ पे आके इंडिया में सेटल हो गए, उनको एंग्लो इंडियन बोलते थे। तो पेरेंटल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इनकी पढ़ाई हुई थी। फिर ये हिंदू कॉलेज में गया, उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन रहे, इंडिया के एलीट लेजिस्लेटर रहे, इनिशियल फेजेस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि जो आपका लेटर पार्ट, लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी है, उसमें ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थे फ्रेंड। उस समय पे नेशनल मूवमेंट को उठाने को, एक न्यू इंडिया को बनाने को, एक सोशली रिफॉर्म्ड इंडिया को बनाने में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, बहुत सारे लोग इनको मानते हैं, इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर्स में आते हैं ये। ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनके जो फादर थे वो बहुत प्रोग्रेसिव और लिबरल थिंकिंग पे थे, और ये प्रोग्रेसिव और लिबरल थिंकिंग उनके फादर ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के दिमाग में डाली। इनको एक अच्छी एजुकेशन दी, उस एजुकेशन के चलते इनका दिमाग रिफॉर्म हुआ और इन्होंने प्रोग्रेसिवली सोचा। उस समय पे, उस समय के इंडिया में जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उस समय पे ऐसी सोच रखना बहुत मुश्किल था। ये इनके एजुकेशन का भी असर था, जो इनके फादर ने इनको सिखाया था उसका भी असर था, और ये खुद भी बहुत इंक्यूजिटिव थे। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली बात है, उस समय के जो पढ़े लिखे इंडियंस थे, उनके सामने सबसे बड़ी जो चीज़ होती थी वो ये थी कि जो सब टफेस्ट चीज़ थी, आज की डेट में भी टफेस्ट चीज़ है, आप में से बहुत लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेलेक्ट होते हैं, नहीं होते, तो आज की डेट में सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करना इतना मुश्किल हो गया है। सोचिए, उस समय तो देश आज़ाद नहीं था, ब्रिटेन हुकूमत कर रहा था, उस समय पर सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकालना कितना मुश्किल होता था। तो 1868 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी इंग्लैंड गए इंडियन सिविल सर्विसेज में एग्जाम में अपीयर होने के लिए। उन्होंने एग्जाम अपीयर किया 1869 में, लेकिन इनको ज्वाइन नहीं कराया गया, क्योंकि कुछ एज से रिलेटेड इशू आ गया था, और कुछ इस टाइप का इशू था कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो कैलेंडर के हिसाब से थी, और उसके हिसाब से ये डेट ऑफ बर्थ के क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे थे, इसलिए इनको अथॉरिटीज़ ने ज्वाइन नहीं करने दिया। बाद में इनकी एज का जब इशू सॉल्व हुआ, तो 1871 में इन्होंने फिर से एग्ज़ाम दिया और फिर से क्वालिफाई हुए, और असिस्टेंट मजिस्ट्रेट की बतौर इनकी पोस्टिंग हुई सिलहेट में। तो सोचिए, एक ऐसा पर्सन जो एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, उस समय में जिस समय पर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इतना मुश्किल था, हमारा देश आज़ाद तक नहीं था, एक बार क्वालिफाई किया, ज्वाइन नहीं करने दिया, एज की वजह से दोबारा क्वालिफाई कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मेंटल लेवल होगा, किस हिसाब का टैलेंटेड इंसान होगा ये। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया। ठीक है, अब देखिए, पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने से पहले हुआ ये कि जब ये अपनी जॉब कर रहे थे एज एन असिस्टेंट मजिस्ट्रेट इन सिलहेट डिस्ट्रिक्ट, इनसे कुछ एरर हो गया, ऐसा बोला गया, कुछ जुडिशियल एरर हो गया। अब क्या एग्जैक्ट हुआ उसमें जाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ट्रिकी सी चीज़ है। इनसे बोला गया कि इन्होंने गलती की, इन्होंने बोला इन्होंने वो गलती नहीं की, और उनको क्या हुआ, इनकी जॉब में से निकाल दिया गया। कुछ कहा गया कि, ऐसा बोला गया कि इन्होंने कोई सीरियस जुडिशियल एरर करी है, जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का बोलना था कि इन्होंने कोई एरर नहीं करी, इनको अपनी जॉब से निकाल दिया गया। उसके बाद इस चीज के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंग्लैंड गए, ताकि वो अपील कर सके कि भाई ये जो मेरे खिलाफ हुआ है ये गलत हुआ है, मुझे मेरी गलती की वजह से नहीं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से निकाला गया है। लेकिन किसी ने भी इंग्लैंड में इनकी सुनी नहीं, और अपनी बात जो ये कहने गए थे वो नहीं कह पाए उतने अच्छे से, इनको अपनी नौकरी वापस नहीं मिली। फिर ये इंग्लैंड में कुछ दिन रहे,
1874 से 1875 तक रहे और उस समय को उन्होंने यूटिलाइज किया, ये परेशान नहीं हुए, क्योंकि देखिए एक नॉलेजफुल इंसान होता है ना, आज की डेट में लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, सेलेक्ट नहीं होते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनसे सोचते हैं कि हमारे पास कुछ बचा नहीं। उस समय पे एक ऐसा एग्जाम जो दो बार क्वालिफाई करके उसको निकाल दिया गया, उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को रिफाइन किया और पढ़े, एडमंड बर्क के वर्क से इन्होंने पढ़े, अपनी नॉलेज को इन्होंने इन्हेंस किया, अपने आप को इन्होंने काबिल बनाया। और 1875 में जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडिया लौट के वापस आए, उनके अंदर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नफरत भरी हुई थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है और उसके अगेंस्ट में उनको बहुत शिकायत थी, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ इनके अंदर बहुत नफरत थी। जब ये जून 1875 में वापस आए, इनके असिस्टेंट मजिस्ट्रेट वाली जॉब इनके पास नहीं थी, तो ये एक इंग्लिश प्रोफेसर बन गए मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन, फ्री चर्च इंस्टीट्यूशन और रिपन कॉलेज में, ठीक है, वहाँ पे जाके ये पढ़ाने लगे। तो ये फिलहाल के लिए इतना कुछ हुआ। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स कि देखिए उस समय पे बहुत से नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे थे, इनका भी मन था कि हम लोगों को पॉलिटिकली अवेकन करें, उनके अंदर नेशनलिज्म की स्पिरिट को लेके आए, इसलिए इन्होंने इस एम से 1876 में 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की फॉर्मेशन किया। और इंडियन नेशनल एसोसिएशन का काम था कि भाई लोगों को उनके राइट्स के बारे में बताइए और उनको बताइए कि जो ब्रिटिश लोग हैं ये हमारे ऊपर क्या जुल्म कर रहे हैं, क्या एट्रोसिटीज कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर्म किया 1876 में, जो इनका सबसे बड़ा एम था इस इंडियन नेशनल एसोसिएशन को फॉर्म करने का, कि भाई वो लोगों को बता सकें कि उनके राइट्स क्या हैं, वो लोगों को बता सकें कि कैसे ये ब्रिटिशर्स इंडियंस के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं और कैसे इस अत्याचार के खिलाफ लड़ा जाए, इस रैशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में जो इंडियंस के साथ हो रहा था। और उस समय पे इंडियंस के साथ हर फील्ड में रैशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज में उनको एडिक्वेट पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया था, बहुत से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन था। इस चीज़ के लिए जो सबसे उस समय का पोटेंट हथियार था न्यूज़पेपर, तो 1879 में एक न्यूज़पेपर भी निकाला सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, जिसका नाम था बंगाली। फिर उन्होंने 1882 में एक कॉलेज भी खोला फ्रेंड्स, जिसका नाम था सुरेंद्रनाथ कॉलेज, 1882 में खोला था, 1879 में न्यूज़पेपर निकाला था जिसका नाम था बंगाली फ्रेंड्स। अब जब ये इस तरीके की एक्टिविटीज़ में चालू हुए ना फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली बात है ब्रिटिशर्स को पसंद तो आएगा नहीं। उनके न्यूज़पेपर में वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत से रिमार्क्स लिखते थे, वो भी 1883 के टाइम पे ब्रिटिशर्स बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी को अरेस्ट कर लिया। सेडिशन के चार्जेस तो किसी को भी अरेस्ट कर लेते थे उस टाइम पे, ठीक है। जब ऐसा अरेस्ट हुआ तो बंगाल, अमृतसर और इसके आसपास के इलाके के जो लोग हैं ना, वो सड़कों पे उतर आए सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के सपोर्ट में और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की रिलीज़ के लिए बात बोलने लगे। फिर 1885 28 दिसंबर को इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी और इन्होंने अपने पार्टी को इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिला लिया। 1886 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, एक बार 1895 में और एक बार 1902 में, तो दो बार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए हैं फ्रेंड्स। अब देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की एक बारे में एक बात आप खास समझ लीजिए फ्रेंड्स, भले ही इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बोला है, लेकिन ये वो इंसान थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ऑफ स्ट्रगल में भरोसा रखते थे, यानी प्रेयर, प्रोटेस्ट, पिटीशन, ये वॉयलेंट एक्शंस में नहीं जाते थे। इनका जो भी काम था वो एज अ मॉडरेट फैक्शन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिसाब से काम कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स थे इंडिया के जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जैसे कि पार्टीशन हुआ था बंगाल प्रोविंस का, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था उस समय पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने उसमें भाग लिया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुए थे ना जब 1909 में, तो उसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने सपोर्ट किया। अब बोला जाएगा कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में कुछ हुआ नहीं, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में आपको पता होगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉन ऑफिशियल मेंबरशिप को बढ़ाया गया था और ये नॉन ऑफिशियल कौन थे, इंडियंस ही थे फ्रेंड्स, तो इसलिए इस चीज़ का सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने सपोर्ट किया था। हालांकि इस बात के लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने और भी बहुत से डिसीजंस लिए गए जिसमें उनको बोला गया है कि कुछ सही हैं कुछ गलत हैं, इनको अनक्राउंड किंग ऑफ बंगाल बोला जाता है, इनकी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स बहुत अच्छी थी, एज एन ओरेटर इनकी स्किल्स बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छा बोलते थे, ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग पब्लिक स्पीकर, और पार्लियामेंटेरियन के तौर पर इन्होंने बहुत एफिशिएंटली काम किया। जैसा कि आपको बताया पार्टीशन ऑफ बंगाल को भी इन्होंने अपोज किया था, सूरत स्प्लिट के टाइम पे गोपाल कृष्ण गोखले जी के साथ मॉडरेट फैक्शन की ये भी वन ऑफ द लीडर्स थे। लेकिन हुआ ये फ्रेंड्स कि जैसे जैसे होम रूल लीग्स आई, गांधी जी का दबदबा बढ़ने गया, जो ये मॉडरेट्स थे ना वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के स्टेज से धीरे 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 बाहर होते चले गए।
ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के बारे में एक बार और भी बोली जाती है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहा, 1925 में सुरेंद्रनाथ जी की मृत्यु हो गई थी। तो ऑब्वियसली बात है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 का हुआ तो उस समय पे तो ये थे नहीं। तो 1920 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था उसको भी मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही बोला था, उसका सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने सपोर्ट नहीं किया। तो एक कह सकते हैं कि ये इनके बारे में कहा जाता है कि उतनी पॉजिटिव चीज़ नहीं थी। फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल में चुने गए थे 1921 में। उन्होंने किताब भी लिखी है जिसका नाम है अ नेशन इन मेकिंग, जो 1925 में पब्लिश हुई है। अपने लेटर ईयर्स ऑफ द कैरियर में इन्होंने ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस को जीता था फ्रेंड्स, और ब्रिटिशर्स ने इनको सर का टाइटल भी दिया था 1921 में। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा एक चीज़ और इनके बारे में बताना चाहेंगे फ्रेंड्स। देखिए, जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी ना 1919 की, उस समय पे मॉडरेट्स का बाकी जो नेशनल मूवमेंट के जो लोग थे उनके साथ थोड़ा सा रिफ्ट ज़्यादा हो गई थी। क्यों ज़्यादा हो गई थी, देखिए 1919 में मॉडरेट्स ने, और मॉडरेट्स में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी भी थे, तो उन्होंने मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का कर दिया सपोर्ट। और उस समय पे जो बाकी नेशनलिस्ट थे ना वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट थे, गांधी जी, एनी बेसेंट, ठीक है, और बाकी एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन तो था ही अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के। एक मॉडरेट फैक्शन के लोग थे जिन्होंने कहा कि हाँ भाई मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो हुए हैं वो सही हुए हैं, हमको काफी कुछ दिया है ब्रिटिशर्स ने। तो इस बात पे मॉडरेट्स और ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का बाकियों से कुछ अच्छा बन नहीं पाया, और इनका जो रोल था ना वो ऑलमोस्ट फिनिश पे आ गया इंडियन नेशनल स्ट्रगल में। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो मॉडरेट्स थे वो इंडियन नेशनल स्ट्रगल से बाहर होते चले गए, धीरे धीरे वो बाहर ही होते चले गए स्ट्रगल से, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी इस चीज़ से एक तरीके से आप कह सकते हो बाहर ही हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद उनको नाइट किया गया, नाइटहुड दिया गया ब्रिटेन की सरकार द्वारा 1921 में। और जैसा कि मैंने बताया 1918 तक आते आते मॉडरेट्स का इन्फ्लुएंस था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ख़त्म सा हो गया, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रैक्टिकली इंडियन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम से बाहर ही निकल गए। 1925 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का इन्होंने सपोर्ट किया था, याद रखिएगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव बंगाल के मेंबर बने थे 1921 में, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद नेशन इन द मेकिंग बुक लिखी उन्होंने 1925 में, ये भी याद रखिएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल प्रोविंस, स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। नाइटहुड मिला इनको 1921 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी फ्रेंड्स सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के बारे में। बस एक प्रॉब्लम एंड में ये हो गई कि बहुत ज़्यादा मॉडरेट हो गए और बाकी नेशनल मूवमेंट के साथ उतने लेवल पे ये जुड़ नहीं पाए, जबकि उस समय पे इनको जुड़ना चाहिए था। उस समय पे जो हो रहा था उसका, उस समय पे एंड में आके इनको ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं करना चाहिए था ऐसा बोलते हैं, बट वो उनकी खुद की विचारधारा थी, उसके लिए उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। वो उस विचारधारा को सोचते हुए आगे चलते आ रहे थे और उन्होंने उस हिसाब से काम किया, लेकिन इसकी वजह से वो एंड में फ्रीडम स्ट्रगल से बिल्कुल बाहर निकल गए, क्योंकि उस समय पे फ्रीडम स्ट्रगल में होम रूल लीग मूवमेंट, उसके बाद गांधी जी का दबदबा हो गया था, एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन का पूरा दबदबा हो गया था, मॉडरेट्स एकदम साइड हो गए थे 1918-1920 तक नेशनल मूवमेंट से। तो ये थे फ्रेंड्स सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गई हो, पसंद आ गई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फ्रेंड्स, और मुझे बताएं अगर कोई डाउट्स हो, कुछ सुधार हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बींग पेशेंट, गुड डे।